ये देखो ये साइलेंसर भाई साहब पूरा हिल रहा। सो गाइस अभी हम रास्ते में चल रहे थे और हुआ क्या भाई, बाइक की ना आवाज़ चेंज होगी और साथ ही बाइक में ना पीछे खड़खड़ की आवाज़ आने लगी, तो अभी ऐसे में मुझे आगे चल के रोकना होगा, तो इसलिए मैं साइड वाले रास्ते पर आ गया। तो पीछे कुछ बज रहा है और दूसरा यहाँ पर इंजन की आवाज़ जो पूरी तरह से बदल चुकी है। अभी मैं एक्सलेट करके आपको दिखाऊँ ना, जरा ऐसा आ रही जैसे कि साइलेंसर हटा दिया हो या फिर पार्सली जो साइलेंसर ख़राब हो जाता है ना कुछ, उस तरह की कचर कचर वाली आवाज़ आ रही है। लेट्स सी, अभी आगे रोक के चेक करता हूँ क्या दिक्कत है बाइक में। सामने की तरफ है ओम ब्रिज, बहुत पॉपुलर ब्रिज है जो कि हरिद्वार का है। सो मैं यहाँ पर बाइक साइड में लगाता हूँ और भाई चेक करता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। सो गाइस अगर मैं आवाज़ सुनाऊँ ना आपको, देखो जो बाइक की ओरिजिनल आवाज़ आती थी ना वो अब आ नहीं रही और खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। अब देखो आवाज़ क्या हो सकती है, ये देखो ये साइलेंसर भाई साहब पूरा हिल रहा, यानी इसका ये वाला पार्ट यहाँ से ये पूरा लूज़ हो गया है वाला, यहाँ से नट लूज़ हो गए होंगे जो कि अक्सर बाइक को ज़्यादा भगाने पर होते हैं। सो ये हमारी जो TVS की अपाचे 180 है और इसमें खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी अचानक और आवाज़ दूसरा चेंज हो गई थी, तो ऐसे में हमने देखा यार यहाँ पर जो साइलेंसर ये हिल रहा है, प्लेन सड़क पर तो नहीं हिल रहा बट जैसे झटके में गड्ढे में जा रहे तो वहाँ पर ही थोड़ा सा मूव कर रहा है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही। पहले मुझे लगा ये वाला पार्ट हिल रहा है इसका, राइट, तो बाद में पता लगा ये यहाँ से लूज़ हो गया, तो इसे टाइट करना पड़ेगा। सो इसको टाइट करते हैं और देखो उसके बाद बाइक की आवाज़ भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, अगर नहीं चेंज हुई तो यहाँ से मुझे टाइट करना पड़ेगा। सो गाइस सबसे पहले हम इसकी सीट खोल लेते हैं और इसको इस तरह से निकालना होगा, इसके अंदर से यहाँ से लॉक रहता है, इसको खींचना पड़ता है। ऑलराइट ये हो गया बाहर और जो मैं सीट इसकी निकाल लेता हूँ, सीट की निकालने की ज़रूरत नहीं है, खैर ये ऐसे टाइट हो जाएगा। अब मेरे पास जो टूल्स है ना ये उससे ही मैं इसको टाइट कर दूँगा, ये वाला लग जाएगा फिलहाल, बाद में इसको फुली टाइट कर लेंगे, फिर जहाँ तक फुली टाइट इसी से हो जाएगा। तो ये लग रहा है इसमें, सो ये इसमें लग जाएगा, ये कितने नंबर का होगा इसके लिए अलग से मैं आपको चाबी दिखा दूँगा, बना दूँगा, दिखा दूँगा, लिंक दे दूँगा चाबी का कौन सी लगेगी इसमें। और फिलहाल जो मैं इससे टाइट कर रहा हूँ, राइट, सो अभी काफ़ी टाइट हो जाएगा इससे, मतलब हिलेगा नहीं ज़्यादा, मूव नहीं करेगा। उसके बाद हम इसको फुली टाइट कर लेंगे बाद में स्पैनर से या किसी पर्टिकुलर चाबी से। ऑलराइट, सो अभी ये ऑलमोस्ट फुली टाइट हो चुका है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे अदरवाइज क्या होगा, इसके जो ऊपर का जो रिंग है ना ये गोल गोल हो जाएगा, मतलब फिर बाद में इसमें चाबी भी नहीं लग पाएगी। तो इधर से तो मैंने फुली टाइट कर दिया और साइड पैनल भी कुछ इस तरह से ही लगता है इसमें, ये ऐसे फंसेगा इधर ऊपर करके। ऑलराइट ऑलराइट, सो अभी भी बाइक की आवाज़ चेंज नहीं हुई, यानी यहाँ से इसका जो साइलेंसर वाली एलंकी लूज़ है, तो अभी इसको भी टाइट करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना ये वाली एलंकी, ये नट है, ये वाला लूज़ है इधर वाला, इसलिए इसकी आवाज़ जो चेंज हो रखी है। ऑलराइट, अभी इसलिए इसकी जो आवाज़ चेंज हो रखी है तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा लूज़ है ये। ये है टपारिया की एलंकी जो कि 6 mm की, तो ये पूरा सेट है, तो ऐसे में मेरे पास रखा हुआ था और इससे मैंने जो इसके साइलेंसर की जो एलंकी बोल्ट है ना उसको फुली टाइट कर दिया है। सो गाइस अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आवाज़ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, अदरवाइज़ क्या होता फटी फटी सी आवाज़ आ रही थी इसकी, अब काफ़ी हद तक आवाज़ इसकी चेंज हो गई है। एलन बोल्ट लूज़ था तो हमने इसको टाइट कर दिया, तो ऐसे में इस तरह से कई बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रास्ते में भी फेस करना पड़ता है, तो ऐसे हमने इसको यहाँ पर फिलहाल सही भी कर दिया, हम कहीं जा रहे थे। तो वीडियो अभी पसंद तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब।